अपने पशु को मीठा सोडा कैसे खिला सकते हो? नॉर्मली आप ऐसे हाथ पे लो, आपके पशु ऐसे भी चाट के खा सकती है, या फिर आप इसको पानी मिक्स करके भी खिला सकते हो। तो मीठा सोडा खिलाने से बेनिफिट क्या है, पूरा डिटेल्स वीडियो में बताते। तो प्रेम पूर्वक नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको, मेरे पास है मीठा सोडा, ये मीठा सोडा है। और मैं पता चाहता हूँ, जब आपके पशु गाभन होती है, बहुत सारे कमेंट्स आप करते हो, सर मेरी पशु गाभन है, मैं उसको मीठा सोडा दूँ कि ना दूँ, मेरी पशु आफारे की बीमारी, वहाँ पर मैं मीठा सोडा दूँ कि ना दूँ, पशु का सर पीएच मान तापमान बराबर रखने के लिए मीठा सोडा दूँ कि ना दूँ, पशु को क्या क्या परेशानियाँ होती है मीठा सोडा से, यानी कि क्या क्या नई परेशानी होती है, मेरे कहने मतलब मीठा सोडा अगर आप अपने पशु को दे रहे हो, इसको देने से क्या क्या फायदे हैं, तो पूरा डिटेल्स वीडियो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले भी प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको, ये पशु गाभन है, मेरी पशु गाभन है गाय, और वहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मेरी बच्ची गाभन दिख जाएगी और वहाँ पर भी एक बच्ची आपको देखने को मिल जाता है। मैं तीनों के ऊपर मीठा सोडा अप्लाई करता हूँ। तो कैसे, देखिए आपके पास जो मीठा सोडा, इसको ब्रेकिंग पाउडर बोलते हैं आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी पानी में मिक्स करके आप मीठा सोडा को दे सकते हैं, या फिर आपके पास जो फीड, आपके पास जो बांडा, आपके पास जैसे कि आप जो दलिया दे रहे हो, या आप मान लो जो गट्ठा खल दे रहे हो, उसके अंदर आप मिक्स करके इस मीठा सोडा को आप अपने पशु को दे सकते। अब बात करते हैं देना कितनी मात्रा में। देखिए जी, अगर आपके पास एक अच्छी खासी गाय है, तो गाय को कम से कम ऑन एन एवरेज आप 50 ग्राम की मात्रा में आप मीठा सोडा दे सकते हो। अगर वही मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आपके पास जो काफ छोटी सी बछड़ी होती है, तो सर इसको आप कम से कम 20 से 25 ग्राम की मात्रा आपको यहाँ पे देनी होगी। दोस्तों अगर आपके पास उससे भी छोटी नस्ल की जो बछड़ी आप देख रहे हो, वहाँ पे जो छोटी, सबसे छोटी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सर इसको क्या है, आप मुश्किल से 10 से 15 ग्राम आपको मीठा सोडा देना है। अगर ऐसी ये आपके पास है, तो सर इसको कम से कम आप 50 ग्राम की मात्रा आप इसको दे सकते हो, क्योंकि एक गाय के समान है और एक गाय गाभा है, मैं आपको बता दूँ, तो ये मीठा सोडा आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर मेरे पास ये 5-6 महीने की बछड़ी है, 5-6 महीने इस बछड़ी को देख सकते हो, आप इसको भी ऊपर भी मीठा सोडा दे सकते हो। ठीक दोस्तों, और मैं आपको एक बता दूँ, जिस पशु को अफारे की बीमारी, यानी कि जिस पशु को अफारे की बीमारी होती है, जिसके पेट फूल जाते हैं, जो ज़्यादा खा लेते हैं, उसके पशु का आपका अफारे की बीमारी होती है, उस जगह पर क्या करना है आपको, 150 से 200 ग्राम आपको मीठा सोडा लेना है और आपको 250 ml पानी लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पशु को पिला दें। जब आप इसको पिला दोगे, यहाँ सर आपका अफारे की बीमारी कम हो जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, देखिए आप कमेंट्स आप करो, सर आप तो अपने पशु को बाहर रखते हो, तो मैं आपको बता दूँ, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का मौसम में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ अपने पशु को बाहर रखने के लिए, बांस के नीचे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कि इसका वातावरण बहुत ठंडा होता है। आप देख सकते हो पशु यहाँ पे हाँफती भी नहीं है, जो मैंने आपको देसी तरीका बताता हूँ कि आप भाई काला नमक वगैरह जो मैं आपको बताता हूँ, काला नमक आप यूज़ करो, गुड़ मिक्स करके यूज़ करो, आप अपने पशु को पिलाओ, यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आपके पशु हाँफेंगे नहीं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ क्या, आपके पशु का जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके पशु को पेट से जो गोबर आ रहा है, जो गोबर निकलता है, आपके पशु को पेट से गोबर, पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है रूमन में, जो आपकी रूमन जो होती है, जो आपके पशु पागुर करती है, जो आपके पशु जुगाली करती है, वहाँ पर क्या होता है, जब वो जुगाली समय से करेगी, उसके लिए आप अपने पशु को यहाँ पर मीठा सोडा यूज़ कर सकते हो। साथ साथ आपके पशु का जो रूमन जो होता है, जहाँ पर पशु का रूमन सक्रिय होती है, उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इसको दे, ताकि आपके पशु कोई सभी से, मान लो कोई हमारे गाय को कोई जूठा खाना देते, कोई मान लो गट्ठा वगैरह देते, कुछ देते, एक्स्ट्रा फीड वगैरह देते, तो वहाँ पे क्या होता है, आप उस तरीके में आप यहाँ पे मीठा सोडा यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पशु को अगर कुट्टी, यानी कि आपके पशु अगर गोबर के माध्यम से कुट्टी वगैरह आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर मीठा सोडा आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपके पशु गोबर में कुट्टी देखने को नहीं, यानी जो आपके गोबर में देखते हो, 1-1 इंची का जो आप भूसा वगैरह खिलाते हो या दाना वगैरह देखते हो, तो दाना वगैरह निकल जाता है, तो यहाँ पर आपको नहीं निकलेगा दोस्तों, आप अगर मीठा सोडा यूज़ करते हो। दूसरी, और मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़, तो आप अपने पशु पर मीठा सोडा देते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पशु को तो खाते तो भूख तो बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ आपके पशु को प्यास भी अच्छा खासा लगेगा, उसको प्यास अच्छा लगे तो आपके पशु का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए किसान साथियों, आप अपने पशु को मीठा सोडा महीने में, अगर मैं एक महीने की बात करूँ, कम से कम आपको 20 दिन तक आपको मीठा सोडा देना है। मात्रा अगर बात करूँ, एक बड़ी गाय को आपको 20-50 ग्राम के, अगर आपके पशु अगर उतनी बड़ी है तो आप उसको 50 ग्राम, और उससे छोटी तो उसको आप 10 से 15 ग्राम आप अपने पशु को मीठा सोडा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन तरीका आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। और मैं इस बात को दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा इसको डोज अगर मुझे देना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, आप इसका एक्स्ट्रा डोज बिल्कुल भी यूज़ ना करें पशु सकते हो, जितना फायदेमंद उतना ही नुकसान होगा। तो आप 50 ग्राम की मात्रा ओन एन एवरेज इसका यूज़ करें, सुबह शाम आपको नहीं देना है, बस आपको एक टाइम ही देना है, कभी भी आप मीठा सोडा इसको यूज़ कर सकते हो, किसी फीड में, किसी दलिया में, किसी तरह से मिक्स करके आप अपने पशु को यहाँ पे खिला सकते हो। तो जो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको यहाँ तक मिले, क्योंकि मैं अपने पशु को पूरा इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप अगर तीनों पशु को देखो, तो तीनों पशु आपको कोई दुबली पत्ती देखने को यहाँ पे नहीं मिली, तीनों आपको हष्टपुष्ट। और अगर मैं उस बात को छोटी से आपको, सर वो 6 मंथ के, ये सर आपको मैं बता दूँ आपको, ये 4 मंथ के प्रेगनेंट आपको यहाँ पर देखने को गाभन मिल जाती है। इन सर आपको देखोगे तो इसे 7 महीने की गाभन आपको यहाँ पर देखने को मिल, यानी कि ये फर्स्ट, ये मैं आपको, ये तीसरी ब्यांत की मेरी गाय होगी, ये तीसरी
फर्स्ट ब्यांत, सेकंड ब्यांत और तीसरी ब्यांत में आपको दिखने को मिल जाएगी दोस्तों। यानी कि तीन ब्यांत है और मैं तीनों के ऊपर मीठा सोडा यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो में हर तरह देखते हो, बार बार पशु को आप देखते हो। तो वीडियो कैसे लिए कॉमेंट जरूर बताया, अगर इस चैनल पर पहले भी प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर। इस चैनल के माध्यम से आपको पशुपालन पूरी जानकारी मिलती और मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसका बहुत जल्दी डिलीवरी होगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा भाई, इसकी जो डिलीवरी कैसे हुई नहीं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बता दूंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो उसका क्या डाइट प्लान, मैं डाइट प्लान इसको दे रहा हूँ जो इतनी छः मंथ की आपको लग रही है, छः मंथ का आप देख सकते हो यहाँ पे, छः मंथ की पूरी काफ़ है, छोटी सी बछड़ी है, तो आप इसको छः मंथ इसका क्या डाइट प्लान में दे रहा हूँ, तो इसका पूरा वीडियो प्रॉपर देख सकते हो दोस्तों। आइए आप देख सकते हो, ये गाभन पशु है, मैं बताना चाहता हूँ, ये गाभन है मेरे पास, तो आप इसको भी देख सकते हो, जो कि देसी नस्ल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी शरारती है क्योंकि खुलने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा राउंड करती है, इसलिए इसको नाक में बांध दिया गया, बाकी पशु यहाँ पर सब सही आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी आपको वीडियो में कैसे लगे, और मीठा सोडा के बारे में खास करके आपको क्या कहना, आप मीठा सोडा एक बार दिखा देना नज़दीक लाकर। तो मीठा सोडा कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सर आपको मीठा सोडा देखने को मिलता है, आप इस मीठा सोडा का यूज़ जरूर किया करें पशुपालन साथ। आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपको अच्छी लगी, जब पहले भी प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मेरे दिखाएं आप एक बार, ये हमारे पास मीठा सोडा है, तो ये मीठा सोडा आप अप्रोक्स मान लो 5-10 रुपए का आपको मीठा सोडा देना है, ठीक पशुपालन साथियों। और ये मीठा सोडा अपने पशु को कैसे देना है, किस तरीके देना है आपको बताने वाला हूँ। आप ये 25 से 50 ग्राम की, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हो सर मैं मीठा सोडा अपने पशु को दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, आप यहाँ पे मेरे फार्म पर, यहाँ पे एक गाय आपको यहाँ पर नजर आई और दो इधर नजर आएंगे देखा है। तो सर यहाँ पे क्या है कि आप अपने पशु को जो मीठा सोडा है आपको देने की विधि क्या है, आप कोई सा अगर फीड बनाते हो, आप मान लो घट्ठा दलिया खल वगैरह अगर देते हो, तो उस फीड में आप इसको मिक्स कर सकते हो, 25 से 50 ग्राम की मात्रा आपको इसको देनी होती है दोस्तों। तो ये मीठा सोडा हम देते हैं तो हमारे पशु की जो रूमन होता है जिससे पशु पागुर करती है, तो आप जो पशु पागुर कर रहे, क्योंकि मैं यानी कि अपने पशु को जो है बांस के जो नीचे छाँव होती है, छाँव के नीचे रखता हूँ, यहाँ से गर्मी इसको कम रहता है, आप देख सकते हो गर्मी में हाफ भी कम रही है, क्योंकि हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि बाहर की तरफ साइड के बाहर इसको रखें ताकि इनको ठंडा लगे और बात इनका ठंडा रहे। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, आप जब भी पशु को गर्मियों का मौसम हो या ठंड का मौसम या बारिश का मौसम हो, आप मीठा सोडा कोशिश करें, मीठा सोडा आप अपने पशु को देखें। मीठा सोडा जब आप अपने पशु को देते हो तो पशु जो आपकी पागुर करते, जो आप जुगाली देख रहे हो यहाँ पे, जरा जुगाली दिखाएं एक बार, ये जो आप जुगाली कर रही है पशु, ये आपकी पशु जुगाली नॉर्मली करेगी, इसके जो पीएच यानी जो इसका बॉडी का तापमान वो भी बराबर है, साथ साथ इनके जो पशु जो आप खाना खाते हो, अफारे की बीमारी के साथ आपके पशु का पेट बहुत ज़्यादा सूज जाता है। तो वहाँ पर अगर आप मान लो 250 ml पानी में अगर आप इसको 100 से 150 ग्राम अगर मीठा सोडा मिक्स करके आप अपने पशु को किसी नाल के जरिए, बांस के नाल हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक की जो नाला बना, तो उससे अगर आप पिलाते हो तो अफारे की जो बीमारी होती है आपकी गाय भैंस के यहाँ पे ठीक हो जाती है दोस्तों। तो एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरी चीज़ अगर आपके पशु जो पाचन शक्ति कमजोर, चाहे आपके पशु को जो गोबर में जो कुट्टी आता है, चाहे उसके पशु को दाना आता होगा, तो वो भी यहाँ पे समस्या कम हो जाती है। जिन पशु के मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गए, उनके जिन पशु का दूध नहीं पच पा, यानी जिन पशु का दूध बहुत कम हो पा रहा है, वो खा तो रहे दूध नहीं दे पा रहे, उन तक अगर मीठा सोडा अगर आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है पशुपालन साथियों। अगर मान लो किसी फीड आपने मिला के दे दे मीठा सोडा, या फिर मान लो किसी पानी मिक्स करके दे दो, क्योंकि अभी यहाँ पे पशु पागुर कर रही है इसलिए मैं मीठा सोडा इसको दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको मीठा सोडा दे रखा सुबह में। तो जब भी आप पशु को, क्योंकि गाभिन पशु है और गाभिन पशु को बहुत सारे कमेंट्स हैं सर गाभिन पशु को मीठा सोडा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको गाभिन पशु को भी आप मीठा सोडा दे सकते हैं। कमेंट्स जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे, कमेंट्स जरूर बताएं। अगर आप इससे पहले भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें।